ये वो यूनिवर्सिटी है जिसको देखने के लिए मैं आया हूँ। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए व्लॉग में। पिछले व्लॉग में आपने अलमाटी से सेमे तक का ट्रेन जर्नी को देखा और अब हम स्नान वनान करके खाना खा के निकले हैं सेमे को एक्सप्लोर करने, इस छोटी सी सिटी को। तो बने रहिए, क्या कुछ है इस सिटी में देखने के लिए। यहाँ ज़्यादा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे लाइंस या ऐसा नहीं है, जस्ट सिंपल सिटी का लुक लग रहा है अभी तक तो। ग्रीन लाइट देखते हैं, और जस्ट वॉक अराउंड ले रहे थे। ये मस्जिद है और ये एक छोटा सा सुपर मार्केट है, और बहुत ज़्यादा धूल है एक तो इस जगह पे। ये क्या इधर पार्क, ये काफ़ी बड़ा लग रहा पार्क। सड़कें वड़के फील तो पूरी इंडिया की देखे जा रहे हैं, गड्ढे वड्ढे। ठीक ही लग रहा है, बट आप एक बार जब अलमाटी से कंपैरिजन करोगे तो वो कंपैरिजन कहीं जस्टिफाई नहीं कर पाओगे इसके साथ। ये बात तो है। हाँ, थोड़ा अभी समर आएगा तब ये पेड़ पौधे हरे भरे होंगे तो थोड़ा ग्रीनरी बढ़ेगी। ये सिटी का बीच वाला एरिया है, अभी रिवर साइड वाले एरिया अच्छे हैं, तो उधर का आपको बाद में नज़ारे दिखाते हैं। सुपर मार्केट पार्क सिटी में, और आज सामने डिफेक्टो, यहाँ डिफेक्टो कॉटन एलसीओ की यही ब्रांड है बस। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा इस सिटी में रहने। थोड़ा सा इसको भी वॉक अराउंड कर लेते हैं। इसमें सब कुछ प्राइवेट दुकान ही है, ऐसे कोई खास ब्रांड जैसे मॉल वाला सीन नहीं है। ये जैसे अलमाटी में ग्रैंड पार्क है, उसमें मोस्ट ऑफ दुकानें जैसे पर्सनल लोगों की है, इसी तरीके का सीन है। तीन चार फ्लोर का है, कुछ ज़्यादा खास है। अभी जाते हैं सुपरमार्केट, तो एक वॉक अराउंड कर लेते हैं कि क्या प्राइजेस डिफरेंस है, कितना महंगा सस्ता है। आ ही गए हैं तो एक वॉक अराउंड बनता है। जो चीज़ों की पता है प्राइजेस, उससे ही डिफरेंस पता करेंगे। क्या चीज़ देखेगा, ये दूध है, ये वाला ब्रांड नहीं देखा मैंने अलमाटी में इतना। 490 टाइम, चिप्स से पता चल जाएगा। 806 टाइम, 2 लीटर कोका कोला, और हाँ ये चीज़ अलमाटी में 300 से 350 की, यहाँ 286 स्लाइटर चीपर है। और क्या देखा जाएगा, चलो कुछ ना कुछ तो देखें। चिप्स से पता चलेगा कि कितनी महंगी कितनी सस्ती है, तो 687 की ये चिप्स हैं, तो अलमाटी में 800 की मिलती है वो वाली, तो यहाँ ये मिल रही है 687 की।
जो अलमाटी में 800 की है, और ये सबसे बड़ी वाली जो 1200 की है या 1300 की अभी अलमाटी में, ये 1091। ठीक है, मामूली स्लाइडर चीपर है, गोरिल्ला 450। नाइस, खास हमें लेना था नहीं तो। यही है मार्केट के बारे में, हमने ली दो गोरिल्ला, वो पड़ी है 916 तक। ठीक है, टॉय मार्ट से सस्ती नहीं है। चलो ये हो गया अपडेट सुपरमार्केट के बारे में। अभी हम सब लोग निकल गए हैं लोकल मार्केट के लिए, यहाँ के सैम है कि अलमाटी की जलोनी एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब यहाँ की भी की जाए। चलो सरोजनी नगर। हाँ सैम ही। इस मार्केट का नाम क्या है? नाम क्या? इनसाया, जनसाया। ये है यहाँ का। थोड़ा उधर एटीएम से कैश निकाल रहे हैं। आटे की दुकान, ये घर का आटा, ये बाहर का आटा, ये हमारा चावल, बासमती राइस, और ये यहाँ का आशीर्वाद आटा है। ये क्या लग, घी? अच्छा चलो, हम थोड़ा बाहर ही वेट कर लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं सेमे की सब्जी बाजार में होलसेल, हर वैरायटी की सब्जी वगैरह डिस्कशन कर रहे हैं। ये हैं सेव 650 टेंगे, टमाटर 900 टेंगे, नहीं जमा मामला, डील होते होते रह गई, डील कैंसिल हो गई। ओरिजिनल बिल नहीं दे रही थी जीएसटी नंबर के साथ, पेमेंट कैश में ले रही थी, कैश भी मैंने, हमें सबूत चाहिए, हमने सब्जी खरीदी है, इसी चक्कर में हमने डील कैंसिल की है। चलो अब जहाँ डील होती है आपको जरूर शख्स के रूप में पेश रखेंगे। कॉल का देंगे मछलियाँ भी, ये अच्छी। चलो कौन सी दुकान पे डील करने के विचार है? चलो फिर हम जस्ट वॉक अराउंड होके आए हैं, कहीं पे भी डील नहीं बन पाई, सब्जी खरीदने की बहुत जद्दोजहद की हमने। हम क्वालिटी और रेट को मैच किया, तो दोनों का जहाँ बेटर कॉम्बिनेशन होगा वहाँ से खरीदी जाएगी। चलो सामने, हमने यहाँ से मूड बनाया है होलसेल मार्केट खरीदने का, है ना। चलो क्या डिस्कशन हो रही है फाइनली, इस दुकान को प्रॉफिट कराया जाए? नहीं, यहाँ से निकल जाएगा, वापस वहीं जाया जाएगा। लहसुन देख लो बस, लहसुन थोड़ा सा भाई, खाली टाइम का पूरा उपयोग करते हुए। और होलसेल में लहसुन के कैरेट भर रखे हैं। हाँ गाइस, क्या हुआ, यहाँ भी डील नहीं बैठी? मन मन मुस्कुरा रहे हो,
अभी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी, थोड़ी बात करनी है डीएम से, तो इसलिए क्योंकि कल और परसों दो दिन बंद रहेगी यूनिवर्सिटी, तो आज बात हो जाएगी। अभी 4 बज रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जो चीज़ मैं देखने के लिए या वो जगह देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो जगह है ये सेमे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसको देखने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ मेरे भाई ने अपनी MBBS पूरी की, ज़िंदगी के 5 साल जिए यहाँ। ये वो यूनिवर्सिटी है। चलो अच्छा, वो प्रैक्टिकल सीट की जो क्लासेस होती है पीछे की तरफ है तुम्हारे अनाउंसमेंट बिल्डिंग, एक यहाँ से लेफ्ट जाती है बिल्डिंग, मैं इंटरनल डिसीज लैंग्वेज की सारी क्लासेस होती है, एक राइट उसमें बाय स्टेप। यूनिवर्सिटी नहीं है, महल बनाया है। सबका प्रस्थान है से और ये है ट्रॉफीज। रूम एकदम नीट एंड क्लीन, हाँ तो सही से रहना मल्टी सिटी में मिल जाती तो व्यक्ति एक दिन में जमीन आ जाए सिलेंडर में बहुत टोके गए थर्ड ईयर में। असेंबली हॉल बड़ा सा हॉल है, सारे फंक्शन मशन मल्टी से पहले तो लॉन्डे बैठे हैं ये डीन ऑफ स्कूल मेडिसिन। ये लेटेस्ट ईयर के लगते हैं या ये फोटोज कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए लगता है। हाँ
ये क्या चीज़ है? ये स्क्रीन चलती है पूरी, कई क्लासेस में मिलेंगे तुमको, इससे कई बार हम लोग ऑन स्पीड भी हुआ है उससे। ये है साइकोलॉजिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जेनेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ सबसे पहले इस पूरी यूनिवर्सिटी में आज तक कौन सा जो है डिपार्टमेंट है फिजियोलॉजी नहीं नहीं मॉलिक्यूलर अच्छा मॉलिक्यूलर तो डेली रहेगा हाँ ये हमारी यही बच्चों की सबसे अच्छी क्लासेस नहीं है तो ये बैठने के लिए जगह भाई ये तो बहुत सही है चीज़ है लाइब्रेरी अलग से है लाइब्रेरी जो फुल होती थी यहाँ पे वाओ यहाँ नहीं आते थे तो पहले पूरा जो मौसम ठीक करते थे बाहर बैठते थे सारे के साथ स्कूल से शेड वाला वो अलग से बनाया हुआ है डोंट स्पेल ड्रिंक्स कीप क्लीन सही है मतलब क्या बना रहे खातिरदारी में कोई कमी नहीं है ये हो गया यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस का टूर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स की पीछे के साइड बिल्डिंग्स है डेडिकेटेड बाकी सत्र में सबसे पुरानी बिल्डिंग की है सबसे पुरानी बिल्डिंग जो मेरे को लगता है उसमें तुम्हारा मॉर्ग रूम तुम्हारे जो स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं वो सब वहाँ पर भारतीय अध्ययन कक्ष हिंदी में लिखा हुआ प्रॉपर ये जो नीचे कैंटीन तो पसंद बाहर के कैफे हैं बिल्डिंग है हम लोग का ये जितनी बिल्डिंग यहाँ देख रहा है वो सब सामने और ये दोनों में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लासेस लगती है फिर एरोनॉटिक्स छोड़ के फिर ये सेकंड जो है इधर की और उसमें तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर तक लगने की इसमें भी नहीं लगती क्लासेस अब हमारी इस बिल्डिंग में आता ही नहीं हूँ सिर्फ एग्ज़ाम लेने आया हूँ अच्छा ये पूरे ईयर में सिर्फ एग्ज़ाम दिया हूँ मैं गलती से टीचर लग जाए कोई हाँ तो वो उस पर डिपेंड आ जाएगा अच्छा अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस साइड ये सब चीज़ें प्रोबिनेटेड है ऑफिस बोर्ड है और एकेडमिक ऑफिस
ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, मतलब सब चीज़ें मिक्स कुछ नहीं है, सब अलग, हाँ सब डेडिकेटेड। अच्छा हाँ, इसके बाद जो और ये क्यू आर कोड स्कैन करके बुक्स बुक्स तुमको मिल जाएगी। और यहाँ पे ये तो अभी पूरा नया बना, ये ऐसा नहीं को देखा मिल रहा है। ये लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी, ये है एक और बिल्डिंग, ये है ग्राउंड करने के लिए वो बिल्डिंग भी कॉलेज की, ये सामने वाली भी, और अभी जो टूर किया वो सामने वाली वो बिल्डिंग है जिसमें लैंग्वेज और उसकी क्लासेस लगती है। आधे शहर में बस रखी है यूनिवर्सिटी, सबसे पुरानी भी है अभी तो लोग बना रहे हैं। सही है, अब पढ़ने वाले पे हैं, बनाया तो सब है। चलो ये था यूनिवर्सिटी टूर, पहले तो बहुत अच्छा था यहाँ पे, लेकिन अब ये पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं किया। और वो जो शेड्स लगे हुए हैं वहाँ भी बैठने की दूरी लगे हैं, कैंपस में सब का अलाउड नहीं कर नहीं सकते, इसके अंदर पकड़ाए तो लंबा चौड़ा फाइन पड़ता है। सही है, ये तो नहीं अच्छी। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी टूर होता है ख़त्म। सेम है स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेम है का। होप यू गाइज लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ये है रिवर साइड, उधर ब्रिज नज़ारे तो आपको दिख ही रहे होंगे किस लेवल के हैं। और यहाँ पे मस्त जगह, यहीं पीछे वो यूनिवर्सिटी है और क्लासेज नहीं है, यहाँ जाओ मस्त बैठो, शुरू करो।